कोई भी पानी में अगर डूब गया है तो सांस नहीं ले पा रहा था, खार आती है बहुत तेज, पानी ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से उनका राइट दरवाजा टूट जाता है। राहु आई एस का 6:40 पे दरवाजा टूटा है, 10 मिनट में सब खत्म हो चुका था कहानी, और वहाँ कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा। कैसे मर जाएंगे? हम तो बस यही सोच रहे 3 दिन से कि हम डूब चुके हैं, हम जिंदा नहीं है। नगर में 3 बच्चों की मौत, और उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैं चश्मदीदों से बात करेंगे जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, उस इंसिडेंट जब वो सारी घटनाएं घटनाक्रम चल रहा था, क्या कुछ हुआ, चलिए इंतजार करें। सर हम वहाँ मौजूद थे, आपने हमें बताया, सामने मौजूद थे, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं डोमिनोज से, यहाँ पे राहु आईएएस के सामने पानी का टाइम था, 6 बजे पानी चालू हुआ, आधे घंटे में बंद हो गया। 6:40 तक पानी इतनी लग चुकी थी, 4 फीट कमर तक। उसके बाद क्या होता है कि खार आती है बहुत स्पीड में, और हमारी कोचिंग खत्म हो चुकी थी, लाइट कट चुका था, हम लोग वहाँ पे थे। खार आती है बहुत तेज, पानी ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से उनका राइट दरवाजा टूट जाता है राहु आईएएस का, और उसके बाद पानी जो है 4 फीट एक साथ अंदर चली जाती है, कोई उसमें रुकाव नहीं होता है। आपके पास, मेरे पास सब सबूत है, बच्चे वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, सब ट्विटर पे अवेलेबल है। और उसके बाद फिर इन लोग कुछ करते नहीं है, जो नीचे एक टीचर भी मौजूद थे केयर टेकर, वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं, बच्चों को बोल बच्चों के को भागो, बच्चों को बोल भाई के भागो। टीचर होंगे, उनको तो दिख रहा होगा ना कि पानी भर रहा है, तो बच्चों को निकालना चाहिए था ना। बच्चों को बोल के ऊपर आ गए कि बच्चों भागो, अब बच्चे भाग रहे, नहीं रह रहे, अपना बैग पैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेट हो गया उनको। उनको ऊपर का नकाजा नहीं पता था कि कितना बुरा हालत है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों से टीचर पूछ रही है कि आप निकल गए, आपके पीछे तो कोई नहीं, आपके, अरे आप जाओ पता करो ना, आप जाओ पता करो, किस बात का, 2 करोड़ का डेली का आपका बिजनेस है, किस बात का, आप जाओ पता करो कि अंडरग्राउंड में कौन था कौन नहीं था। और ये मदद कितनी देर बाद पहुंची? मैम पुलिस आई थी 7 बजे, 6:40 पे दरवाजा टूटा है, 10 मिनट में सब खत्म हो चुका था कहानी। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो एकदम रियलिटी है, और कोई भी पानी में अगर डूब गया है तो सांस नहीं ले पा रहा था। लास्ट बंदा भी जो निकल गया है, हम लोगों के बीच का था, वो बोला कि लड़की ने पैर पकड़ा, लेकिन वो लड़की कहाँ दरवाजे में फंस गई, कहाँ फंस गई, उसका हाथ छूट गया, और वो लड़का रस्सी पकड़ के बाहर चला गया। रस्सी पकड़ के निकालोगे आप कि आप खुद जाके निकालोगे, मदद दोगे उन्हें? उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आती है 7:15 बजे, ठीक है मैम, 35 मिनट बाद पुलिस आती है। 35 मिनट में तो बहुत पानी भर चुका होगा मैम, पानी तो भर खत्म, मैम पानी तो 3 मिनट में भरा है मैम। इससे पहले भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि पहले? मैम ये डेली का है, आप सुबह बारिश हो रही थी 25, 24, 26 को बारिश हुई, डेली सुबह बारिश लगता था मैम, डेली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लग जाता था, लेकिन इन लोग कोई नहीं ध्यान देता, ये सब के सब एक जैसे हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कुछ हो, किसी को कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि किसी के ऑफिसर के बच्चे यहाँ नहीं आते। यहाँ पे बच्चे कौन है जो खेत बेच के आए, जो लोन लेके आए, जो ऐसे आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो दे रहे हैं अपना पैसा। मेरी दोस्त है, मेरे दोस्त लोग हैं, 27,000 रूम रेंट देते हैं 10x8 रूम का, ये क्या रेंट है, इस पर तो कोई नहीं बोलता। उसके बाद फिर मैम आती है फायर ब्रिगेड आती है आपकी 8 बजे के आसपास, 8 बजे से फिर मैं लगातार देख रहा था कि पानी कम हो जाए तब जाता हूँ, नहीं तो पता चला कोई भी अगर खुदा न खास्ता तार गिरता है तो सब मर जाएंगे पानी में। उस वजह से मेरा यहाँ की वायरिंग भी सारी ऐसी खुली हुई, ये देखिए ना खंभा, देख लीजिए मैं वहाँ पे कितना टेढ़ा है वो सब। फिर मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जाऊँ नीचे, उसके बाद मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जाऊँ। अभी ये तार सही, यहाँ पे अभी ये तार सही हो रहा है, तार ये सही कर रहे हैं क्योंकि अब तार सही हो रहा है। ये बताइए ना क्या किसी की जान की कीमत ही है ये लापरवाही, जान मर जाए। अगर तार गिर जाता तो वो जो 3 बच्चे वहाँ मरे, उसके अलावा जो बच्चे बाहर खड़े देख रहे हैं, पुलिस और बच्चे, और अभी पानी पड़ती है और अभी कोई हादसा होता है तो कौन बचाएगा? ठेले वाले मर जाते हैं जो रिक्शा चला रहे थे पानी में, उन लोग अपना बच्चों को ले जा रहे थे बाहर रोड पर, कि वो मर जाते। स्कूल के बच्चे निकले थे, सालवान स्कूल है, वो बच्चे इतना पानी में निकल रहे, छोटे बच्चे हैं, ये क्या समझ में आता है इनको, बैठे बस ऑफिस में। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड का कोई काम नहीं था, लाइट काट दिया गया था तुरंत, उन बच्चों को बेसमेंट में अंधेरे में दिखा नहीं कि किधर जाए, लाइट तुरंत काट दी गई, और वहाँ कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा। कैसे मर जाएंगे? हम तो बस यही सोच रहे 3 दिन से कि हम डूब चुके हैं, हम जिंदा नहीं है। अब उसके बाद आप अपनी फीलिंग देखिए कि आपका भाई डूब चुका है, ये दुख है। उसके बाद भी आप हमारे साथ खड़ी हो जाएंगी, फिर आपको जब फीलिंग आएगा। उसके बाद आती है मैम पंप, 8:40 होता है तो पहली वाटर पंपिंग आती है, पंप आती है 2 घंटे के बाद, पहली पंप 6:40 से सिंगल पंप से उतना पानी निकलेगा, उसके बाद एक पंप कितने बजे आया? एक पंप 8:40 पे आया, पहला पंप 8:40 पे पहला पंप आया। बात ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक लगी थी, जब हम बोलते हैं हमें रास्ता दीजिए तो बोलते हैं नहीं आपको तो दूसरा रास्ता पता है, आप इधर उधर से घूम के, यहाँ के ऑफिसियल्स को दूसरा रास्ता नहीं पता था, ऑफिसियल्स को नहीं पता था दूसरा रास्ता कि कहाँ से आ सकते हैं, ये सब तो जीरो एरिया फोर्स है ना मैम, जीरो एरिया फोर्स है। एनडीआरएफ क्यों नहीं आई? एनडीआरएफ के लिए 50 साइन लगते हैं, एनडीआरएफ स्कूबा ड्राइविंग आती तो पहले तुरंत निकालती। एनडीआरएफ कब आई है? एनडीआरएफ मैम आई है आपकी 9:30 बजे, 9:30 बजे 6:15 के आसपास का मामला है। डिजास्टर होने के बाद यहां पे आ रहा है कि एनडीआरएफ के लिए डायरेक्ट हम लोग नहीं बुला सकते हैं, एनडीआरएफ को पुलिस या फायर ब्रिगेड ही बुलाती है, वो भी बहुत ज्यादा साइन होने और कॉन्टेक्ट करने के बाद।
इसलिए इतना टाइम लग गया उनको। 35 मिनट बाद पुलिस आई है, 2 घंटे बाद पंप आया है और 3.5-4 घंटे बाद NDRF पहुंची है। ये ऐसा क्या सिस्टम है, ये सिस्टम है। और ये कहाँ गए हमारे टीचर जिनको मैंने पैसा दिया 2-2 लाख रुपए, मैंने 2.5-3 लाख रुपए पैसा दिया, कहाँ गए बस बैठ के बोर्ड पे पढ़ाएंगे अच्छा अच्छा फिलोसफी, 2-4 किताबें की बात बताएंगे आपको, यहाँ खड़ा नहीं होने आएंगे बस। क्यों? क्योंकि 60,000 करोड़ का ये बिजनेस है, 60,000 करोड़ का ये एवल्यूशन है इसकी डेली। 60,000 करोड़ में मिला क्या मौत? 60,000 करोड़ का बिजनेस, इतने सारे टीचर्स और हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। अभी आपको पता चल गया होगा 35 मिनट में पुलिस, 2 घंटे में पंप और 3.5 घंटे के बाद NDRF। कौन बचता है इतनी देर तक?